क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? हेलो, हाँ नमस्ते, जय माता दी। बाबू नहीं, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अभी सुबह के बज गए हैं 8:15। मैं बुआ के यहाँ से आ गई हूँ, बिल्कुल अभी अभी आई हूँ, बिल्कुल अभी नहीं, 8:15 क्या, 8 बजे आ गई हूँ। आते ही मैं नहाने लग गई हूँ क्योंकि वहां से नहा के नहीं आई थी। तो भाई भी आया था मम्मी के यहाँ से, तो भाई सुबह जाता है अपने काम पे इधर से, तो भाई ने कहा चलो दीदी तुमको छोड़ के मैं चला जाऊंगा काम पे। मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर रुकूंगी तो देर हो जाएगी। तो अभी अभी बिल्कुल आई हूँ, बाबू ना रास्ते में सो गया था, इसको आते ही मैं लिटा दी थी, नहाने लग गई थी, तो अभी उठ के बैठ गए हैं। तो मैंने सोचा था व्लॉग को भी शुरू कर लूँ, बिल्कुल अभी अभी नहाई हूँ, बिंदी भी नहीं लगाई, ऊपर थी तो बाबू को नीचे लिटाई थी तो ये रोने लग गया था। अभी चली हूँ मुँह में थोड़ा सा लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, बिंदी लगाऊंगी। और आज मैंने आप सभी को बाबू से सुबह सुबह मिलवा दिया है, तो आप सभी बाबू से मिल लीजिए। बाबू गया था कल दावत खाने के लिए रात में ना, बता दो सबसे, दावत खाने के लिए गए थे? कहाँ गए थे? मम्मा के बुआ के यहाँ गए थे, मम्मा के बुआ के यहाँ गए थे। अभी आप सभी से थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, बैठे रहो बाबू। तो दोस्तों अभी मैं हो गई हूँ थोड़ा सा तैयार, अब चल रही हूँ चाय बनाने के लिए, और बस चाय बनाऊंगी। अभी मैं आई हूँ, देखिए चूड़िया भी मैंने नहीं बदली है, तो इनको अभी मैं उतारूंगी, बदलूंगी। मैंने सोचा थोड़ा सा चेहरा ना नहाने के बाद बहुत खींचा खींचा सा लगता है जब तक मॉइस्चराइजर ना लगाओ, थोड़ा सा लिप बॉम मैंने लगा लिया है। और ये देखिए, ये ना जहाँ पे बाथरूम और सीढ़ियाँ बन रही है वो जगह है, तो ये दीवारें हो चुकी हैं, दीवारें सारे कमरों की हो चुकी हैं। अभी इधर बाथरूम साइड ये सब पड़ा है, ये देखिए अभी ये बचा हुआ है, तो शायद आज इधर काम हो, कल हम लोग नहीं थे ना तो ये हुआ था। और पीछे साइड अभी ये सब पड़ा है, और ये साइड भी हुआ था ऊपर ऊपर, तो आ जाएंगे तो देखो क्या करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले बाथरूम तैयार करवा लीजिए इनके पापा से, नहीं तो फिर दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने कहा आ जाएंगे तो बाथरूम तैयार करवाएंगे। और किचन के लिए एक अलमारी नीचे बनी थी ना, ये देखिए, और एक इसके ऊपर ढाली गई है, तो अभी इसको पकने के लिए छोड़ना है, 1 हफ्ते के लिए शायद छोड़ेंगे या फिर 2-4 दिन के लिए। तो ये वाले कमरों की भी दीवारें हो गई हैं, नीचे की जमीन बाकी है अभी, तो ऐसे ही छोटे छोटे काम रह गए हैं, बाहर अभी पूरा प्लास्टर बाकी है। चलिए चलते हैं ऊपर चाय बनाते हैं। तो ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ छत पे और बनाने लगी हूँ चाय। ये देखिए इधर मैंने रखा है चाय, गैस वगैरह सब साफ करने हैं, यहाँ पे आज झाड़ू भी नहीं लगे हैं, जो चीज़ जहाँ पड़े हैं वहीं पे पड़े हैं, बर्तन वहाँ मैंने पीछे मान के कल रख के गई थी, जो जूठे हैं उसको धुलने हैं। तो अभी सबसे पहले चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं, फिर बर्तन धुलेंगे और यहाँ पे झाड़ू भी लगाएंगे। तो चाय सुबह सबसे पहले चाहिए होती है क्योंकि सुबह सुबह ठंडी भी लग रही है। अभी चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने बर्तन नहीं धोए थे, जो बर्तन थे शाम के मेरे जाने से पहले कुछ बर्तन जूठे पड़े थे इधर उधर जो थे, तो सारे बर्तन को मैंने धुल लिया। और सबसे पहले मैंने चाय बनाया है क्योंकि अभी सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई है, हमारे यहाँ सुबह शाम ठंडी पड़ती है, तो सबसे पहले चाय चाहिए होता है। तो बर्तन को मांझ के ले आई हूँ, इन सबको सेट करके यहीं पास रख रही हूँ। इसको बर्तन बर्तन रखने वाली जो जालियाँ हैं ना उसी में रख रही हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे और जो जूठे बर्तन थे वो कम थे, तो मैं झबिया को यहीं रखी रहने दी हूँ। और मैं नहीं थी तो मेरे आने से पहले इन्होंने पाइप लगा के पानी भर लिया था, इन्हें लगा शायद मैं देर में आऊँगी तो ये ऊपर पानी नहीं भरे थे। तो अभी खाना बनाने के लिए 1 बाल्टी पानी ले आती हूँ, और अभी आ गई हूँ चूल्हे पे। सब्जी को मैंने पहले से ही काट करके रखा था, आलू है, आलू टमाटर यही बनेगा घर में, कुछ हो या फिर ना हो, आलू है तो फिर काम चल ही जाता है, चाहे कोई सब्जी हो या ना, फिर आलू है तो जो सब्जियों का राजा होता है ना आलू, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो चलो आलू ही बना लेते हैं, आलू टमाटर। तो बस वही आलू टमाटर बना रही हूँ,
और आलू टमाटर की ना आज मुझे भुजिया बनानी है। रोज़ वही सब्जी खाते खाते ना बोर हो गई हूँ, तो आज चावल नहीं बनाऊँगी। आज नैन्सी नहीं है, वो फिर से नानी के यहाँ भाग गई है। तो दोस्तों सब्जी मैंने बना के रख ली है और अभी मैं गई थी नीचे, क्योंकि जो किचन वाला रूम था ना उसकी ज़मीन बनानी थी, तो जिसमें हम लोगों का बेड लगा था सारा सामान इसमें आ गया था। तो किचन वाले का ज़मीन बन गया है तो वो पक भी गया है, फिर से इसमें का सामान उसमें गया है, तो ये वाली रूम की ज़मीन बनेगी। अभी रोटी नहीं बनाई हूँ, सब्जी देखिए भुजिया सब्जी बन करके रखी है, अभी जा रही रोटी बनाने के लिए। मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, क्योंकि मेरी चीज़ें नहीं मिल रही है तो मेरी जान निकल रही है। तो वो वहाँ बुआ के यहाँ गई थी ना, तो मम्मी यहाँ से भाभी आई थी, बहन आई थी मेरी छोटी, तो माही आई थी, वो फिर से वापस नानी यहाँ चली गई, जबकि मेरे घर के पास से ही पड़ता है बुआ का घर। और नैन्सी माही को देखी, सबको देखी, दीदी और अपनी मामी लोग को बोली मम्मी मुझे फिर से जाना, मैंने कहा नहीं बेटा मत जाओ, बाबू तुम्हारे साथ खेलता है थोड़ा सा तो मेरा काम हो जाता है। तो उसने कहा नहीं मुझे जाना है, तो जब उसे लगा कि मम्मी नहीं जाने देगी तो रोने लग गई, मुझसे कह नहीं रही कि जाऊंगी, रोने लग गई। फिर उसकी मामी ने कहा चलो अच्छा चलो कपड़े सैंडल पहनो और बैठ जाओ सुबह सुबह गाड़ी पे, तो तुरंत ही जाके बैठ गई। क्या हुआ क्या हुआ? नहीं बाबू अभी सो के उठा है, सो रहा था अभी उठा है, और अभी शाम के बज रहे हैं 3:30। तो आज की ब्लॉग ख़त्म करने का समय आ गया है, और इसके पापा अभी नहीं गए नहीं हैं। ट्राईपोर्ट मैंने मंगवाया है तो यहाँ पास के ही चौराहे में आए हैं भैया देने के लिए, तो अभी ये गए हैं लेने के लिए, और ये अभी सो रहा था, सो के अभी उठा इसलिए रो रहा है। ये देखिए बाबू बात कर लो बात कर लो, ये देखिए कैसे देख रहा है। सो जाओ अच्छा सो जाओ, अभी और सोना है सो जाओ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी को अपने कल के ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय। तो अभी आप लोगों ने जो देखा ना, वो जिस कमरे में हम लोग बिस्तर लगा था हमारा, मतलब जहाँ पे हमारे पलंग वगैरह लगे थे वो वाला रूम है, इसकी ज़मीन आज बन रही है। तो दोनों रूम कंप्लीट हो गए हैं, इनका जो है वो नीचे की ज़मीन बन गई है, दीवारें बन गई हैं। अभी दोनों कमरे में अलमारी बनानी है, एक कमरे में अलमारी बनानी है पूजा वूजा करने के लिए, और एक कमरे में जिसमें किचन बना है उसकी अलमारियाँ तैयार करनी है। तो मैंने सोचा ब्लॉग को क्या ख़त्म करूँ अभी, ये जैसे ही मैंने ब्लॉग को एंड किया सोचा एंड कर दूँ, तो ये आ गए थे लेने के लिए। मैंने बताया ना आप सभी को, मैंने ट्राईपोर्ट मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये ट्राईपोर्ट, सच में एकदम मस्त लगा। और तो ये आ गए, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को क्या ख़त्म करूँ, दिखा दूँ आप सभी को इसे। तो मैंने इसका रिव्यू देखा था, तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता थी, तो मैं इन्हें बता रही थी कि इसको आप सेट कर दीजिए, क्योंकि मुझे अगर मैं कोई चीज़ मुझे नहीं आएगा तो मैं इसको नया है तोड़ दूंगी बनाने के चक्कर में। तो मैं यहाँ से इनको बता रही थी कि इसको निकाल के सेट कीजिए कैमरा लगाने के लिए। तो ये देखिए अभी आया है मेरा ट्राईपोर्ट, ये अभी ये निकाल के देख रहे थे ना वही ट्राईपोर्ट है। तो आज ये धनतेरस के दिन आया है मेरा ये ट्राईपोर्ट, और एक आया हुआ है बकरी चिल्ला रही आवाज़ें नहीं जा रही, ये देखिए एक आया है झाड़ू। तो आज धनतेरस से यही आया है, ये देखिए फ्लिपकार्ट से इसका बॉक्स है, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, बहुत दिनों से ट्राईपोर्ट टूटा हुआ था तो मैंने सोचा एक ऑर्डर कर लेती हूँ। वैसे जल्दी से ये फ्लिपकार्ट वाले भैया लोग आते नहीं यहाँ देने के लिए, गांव में नहीं आते हैं, यहाँ पास से जो चौराहे मिलते हैं ना, जहाँ उस दिन गई थी बाबू को कपड़े लेने के लिए दिखाई थी आप सभी को, वहीं फिर ये गए हैं बाइक से, 10 मिनट लग जाते हैं जाने में बाइक से, तो अभी ये गए फिर वहाँ से लेके आए। तो इसको इन्होंने सेट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कैसे क्या होता है, और ये मुझे मिला है 1100 का, ये देखिए लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, उससे बहुत अच्छी है ये। वो मेरा 2 साल का हो गया था ट्राईपोर्ट, ख़राब था कई दिनों नहीं महीनों से बदलना चाह रही थी, टूट गया था यहाँ से, तो जोड़ जोड़ के फेविकिक लगा लगा के मैं काम चला रही थी, आज मैंने इसको मंगवा ही लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलती हूँ आप सभी को कल के ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।